वैसे आई रियली थिंक कि तुम्हें लाहौर आना चाहिए। अगर तुम ना आए तो तुम्हारा चांस तो गया। तुम इतनी खूबसूरत हो कि अगर अपने आप को देख पाती ना तो अंधी हो जाती। तू चाहे तो ले ले वापस मेरी सांसों का। मिडिल क्लास जिंदगी तो आधे ग्लास की तरह होती है। चाहे जितनी कोशिश कर लो ग्लास कभी पूरा भर नहीं पाता। मोइन, उठ जाए। यार प्लीज 10 मिनट और दे दो मुझे। 6:15 हो गए, प्लीज उठ जाए। पैसे आ गए हैं? बच्चों के स्कूल से फीस की इनवॉइस आई थी। मैं पूछता हूँ दोबारा पेमेंट का। दे देंगे वो लोग? नहीं देंगे तो इंसुल्ट कर सो नहीं सकता ना। काम तो इन लोगों के साथ करना। क्यों करना है? इंश्योरेंस सेल्स की जॉब भी इतनी मुश्किल है, इतनी बैक सैलरी भी नहीं होती और फिर टाइम पे पैसे भी नहीं मिलते। जब क्लाइंट बढ़ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करो। उठो, उठ जाओ प्लीज, चलो बाथरूम निकलो सब, चलो चलो चलो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, चलो चलो, शाबाश, चलो शाबाश, जल्दी से वॉशरूम। अल्लाह, ये पकड़ाओ मामा को, चलो निकलो, शाबाश शाबाश। तुम कब से उठे हो? अल्लाह मुसीबत, जल्दी लेट नहीं होना, चलो। अभी तक आप लोग टेबल पे हैं, खुदा का वास्ता। खत्म कर रहे, खत्म नहीं, खत्म किया ना दूध, खत्म करोगे कि नहीं? क्यों, शाबाश हो गया, बस चले 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 चले। है ना 5 मिनट, मैं खत्म करूं चाय? बिल्कुल 5 मिनट नहीं है। सोनू को मुझे पकड़ा है, मिल्क फिनिश किया, बाइक की चाबी, ब्रेड नहीं फिनिश की है ना, ब्रेड नहीं फिनिश की। आ जाओ, आर यू रेडी? चलो आ जाओ, चले 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 चले, जल्दी जल्दी, बैग्स पकड़े बैग्स पकड़े। थैंक यू, थैंक यू। मैं देखो कितना गन मचाया है, शाबाश, चलो इसको उठा लो ना, चलो चलो, वो मैंने कल खरीदा, उसको उठाओ। जाहिर सी बात है मैं ही उठाऊंगी ना। अच्छा ओके ओके, चलो इजी, आ जाओ आ जाओ। बस मैं बच्चों को छोड़कर आता हूँ, तुम प्लीज मेरी वो अच्छी वाली एक शर्ट इस्त्री कर देना, वो ब्लू वाली रख देना, बहुत बड़े क्लाइंट ने बुलवाया है, मीटिंग है तो मैं आके जाता हूँ। कर दूंगी, रेडी पकड़ो बेटा। I love you. I love you. गाड़ी देख के गाता, मुझे ढंग का मेकअप ले देना तो मैं भी वाह हो जाऊंगी। मैं गाड़ी को देख के गा। अबे वाह, thank you.
इतनी भी बड़ी नहीं लग रही। शर्ट इस्त्री कर तो मजा ले, एक स्टीमर खरीद ले, स्टीमर हो जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन नहीं, पुरानी इस्त्री फिर शर्ट से जलती है, फिर मेरे पे आता है। अल्लाह, जनरेटर ले लेंगे तो मौत आ जाएगी, जाहिर सी बात है। ये क्या हुआ, ये क्या कर दिया तुमने मेरी शर्ट को? My God is burnt? हाँ वो जला दी तुमने? हाँ वो लाइट चली गई थी, मैं इसको इस्त्री कर रही थी और फिर एकदम से लाइट आ गई। सॉरी सॉरी, प्लीज 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 को दूसरा इस्त्री कर दो। मैं कर देती लेकिन सुबह मशीन चलाई थी ना तो सब गीली है। 5,000 की शर्ट थी, 5,000 रुपए। मुझे याद है ना, तुम्हें थी, मैं वहां थी, तुम्हारे साथ ही खरीदी थी मैंने। फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। भई तुमने कौन सा दिन में चांद देख लिया था जो तुम्हें इस्त्री के नीचे मेरी शर्ट नजर नहीं आई? नौरीन, क्या वो सामने वाले है ना, उसने अपनी बीवी को लैपटॉप लेके दिया है, खोल रही थी, बड़ा खुश हो रही थी। आपको याद है शादी के बाद आपने कहा था मुझे भी लैपटॉप लेके देंगे? लैपटॉप चाहिए? मैं अपने लिए नहीं कह रही, मेरी सब दोस्तों के पास है, वो घर से बिजनेस करती हैं, मेरे पास भी आ जाएगा तो वो ऑनलाइन क्रोशे बेच दूंगी और कुछ कर लूंगी, यूपीएस आ जाएगा, फिर कपड़े भी नहीं जलेंगे। क्या वादा याद दिलाया तुमने,
लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि जब वो वादा किया था तो उसके एक महीने बाद तुम्हारी डिलीवरी हुई थी और तुम्हारा ऑपरेशन भी हुआ था और समर इंक्यूबेटर में कितने अरसे था? एक महीना। मैंने तब की बात है। मैं ले आऊंगा लैपटॉप जब मुझे कमीशन मिलेगा। तुम प्लीज मेरी शर्ट जला के तुम लैपटॉप की बात कर रही हो यार। टी-शर्ट पहन ले। मुझे अपनी मीटिंग में जाना है भाई। टी-शर्ट पहन ले। क्या पहनूंगा मैं? मैं निकालती हूँ। मैं भाई मैं खुद धोऊंगा। मेरे आए 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 कुछ करती हूँ ना मैं। आए मामा मेरी कॉपियां बाहर जगह। तो बेटा संभाल के रखो ना, क्यों उसके सामने रखी है? मामा ये आप ही की किताबें तो नहीं पढ़ता। क्योंकि आप ही कॉपी संभाल के रखती है, इसको रफ कॉपी दे दो। मैं नहीं दे रहा। ना रोएगा ना बच्चे। नहीं आप ही की कॉपियां दे रहे। मामा मैंने सबक याद कर लिया, सुन ले। अच्छा थोड़ा सा और याद करो, तुम्हारे बाबा से बात करके फिर सुनती हूँ। भाई का अपने ख्याल रखो, उसको रफ कॉपी दो। मेरी किताबें दो। रफ कॉपी चाहिए सोनू। जो समर का दूरबीन पड़ा है, ला दो। मैं उनका कपल डांस देख रहा हूं। क्या कर रहा है? क्या हुआ? ये जो घर है ना, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बर्तन भी मैं धोऊं, खाना भी मैं बनाऊं, कपड़े भी मैं धोऊं, सफाई भी मैं करूं, और फिर बच्चों की पढ़ाई भी मैं ही करवाऊं। मैं आ रहा हूं। अब अगर कपल डांस खत्म हो गया हो तो आपके बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, जरा हेल्प कर दें। मैं आ रहा हूं। अच्छी तरह से देख लें पहले उस औरत को। आ रहा हूं यार। यार बात सुनो, मैं सच में सिर्फ उनको डांस करते हुए देख रहा था, बच्चों की कसम। और वो जो वाओ बोला था हा? बच्चों की कसम। वाओ वो मैंने पड़ोसन को देखकर बोला था, बट खुद ब खुद मेरे मुंह से निकल गया था जब गाड़ी गुजरी थी तो। सॉरी, आई एम सॉरी। एक बड़ा हैंडसम हस्बैंड भी है। जानता हूं। मैं देखूं? बस बहुत हो गए पड़ोसी, अब बस हम में से कोई भी पड़ोसियों को नहीं देखेगा, ना उनकी शक्ल, ना उनका घर, उनका कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, मैं भी ये चाहता हूँ। पहाड़ में जाए पड़ोसी, खामखा जन्नत के नजारे। सोच रही हूँ कितना वक्त हो गया है कि हम दोनों अकेले घूमने नहीं गए। पिछले महीने गए थे ना? पिछले महीने आयशा को डेंगू था। हाँ? तो फिर उससे पिछले महीने शायद। उससे पहले बच्चों के पेपर्स थे यार। अभी वहाँ गए थे ना, जब सी साइड गए थे, कितना वक्त हुआ है? सितंबर। छह महीने। वाह,
बच्चों ने हमारा सब कुछ ले लिया ना, हमारा सारा वक्त, एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं बचा। ऊपर से आपने भी इतने महंगे स्कूल्स में डाल दिया है, मुश्किल से फीस भरते हैं, सारा सारा दिन पागलों की तरह काम करते हैं, कोई वक्त नहीं, और इतने पैसे भी नहीं बचते कि अपने लिए कपड़े तक ले लें। और तुम्हारे लिए मेकअप। चलो अच्छे स्कूल में डाला है तो कम से कम बच्चों का फ्यूचर तो सिक्योर होगा ना, मैं इतना धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। वैसे बच्चे हमारा बहुत सारा टाइम ले लेते हैं, लेकिन एक चीज हमसे नहीं ले सकते, हमारी रातें। अबू नींद में बातें कर रहा है, कब से क्या कह रहे हैं? आ रही है। यार ले जाए इसे, उठा के लेके जाए नींद में। ओके ससु आ रही, चलो। बेबी 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 नहीं, हम पड़ोसियों के घर में नहीं झांकेंगे, नहीं अपना दिल खट्टा करेंगे। हाँ जी आ रहे हैं तुम्हारे बाबा। वाह इतना रोमांस। इसको फूल दे रहा है कितने सारे। आज वैलेंटाइंस डे है, आज वैलेंटाइंस डे है, लोग वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, और तुम्हारे बाबा खाना मांगेंगे आके, उनको कहाँ याद रहेगा। वो कहेंगे मेरी शर्ट इस्त्री कर दो कल के लिए, उन्होंने कहाँ से फूल लाने। हेलो सच, ठीक है हाफिज। तुम्हारे बाबा को याद हो, तुम्हारे बाबा को याद हो। आज तुम, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई दादी के पास जाएंगे और देखना मामा कितनी प्यारी लगी। वैलेंटाइन्स डे, वैलेंटाइन। वाह बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर पे ही हैं, कहीं दे नहीं दिए। मैं अच्छी नहीं लग रही? तुम माँ अच्छी लग रही, इनफैक्ट बहुत ज्यादा अच्छी लग रही। क्या हो रहा है? हाँ Look what I got! अच्छा ये बलून आपका है, ओके, एंड दिस इज फॉर यू। ये लो खोलो उसको, आ जाओ इधर आओ। और लिसन ये डोनट्स फॉर एवरीबॉडी, लुक 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 लुक, ओके इसको निकाल दो ना इनके लिए। बात सुनो नहीं,
क्या हुआ? आज वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस डे और हम कमाओ यार, तीन बच्चे हैं हमारे, हम मर तो नहीं गए। मतलब इस उम्र में टीनेजर्स की तरह बिहेव करेंगे तो कैसा रहेगा यार? सारे कर रहे हैं, साल में एक ही तो दिन आता है कपल्स के लिए, वरना बाकी साल तो जिंदगी से लड़ लड़ के गुजार देते हैं हम। रहने दो। ए, चलो कहीं चलते हैं। पापा अपन कहाँ जा रहे हैं? हम थोड़ी देर के लिए, मैं और मम्मी बाहर जा रहे हैं और हम अभी जंपिंग क्लासेस जाएंगे। अब बच्चों को ले जाएं, काफी देर से कहीं गए नहीं हैं। हम तो चले जाएंगे। नहीं तुम भी चलो ना। नहीं नहीं मेरे कुछ काम है, आप जाएं। ओके। चलो 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 चलो, कुछ लेना तो नहीं है, सब रह गया। इसको इसको सही करो। ओके ओके चलो चलो, जंपिंग कासल टाइम, जंपिंग कासल टाइम। ओके देख के सीढ़ियां, चलो हाथ पकड़ो, कम ऑन। हाय, मैं जोया हूँ, आपकी नेबर, सामने बिल्डिंग में रहती। मैं जानती हूँ आप लोग पिछले महीने शिफ्ट हुए हैं जी। मैं आज शाम आपको डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ, क्या आप आएंगी? श्योर, हम लोग जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, देन आई सी यू। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। आप लोग आ गए। शरियात, अस्सलाम वालेकुम। मोइन, वालेकुम सलाम। ये मेरी वाइफ है नौरीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। जोया, जोया आ जाएं, हमारे गेस्ट आ गए। Guys, thank you so much for coming. Today is a special day. It's Valentine's, and everyone wants to spend it with their special person. I know everyone Hi. Wants to. Milen se. Hello. Hello. How are you? I'm good. This... Mere husband. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kaisi hain aap? This is my life partner, my Valentine, Zoya. Aap log please baithiye. Please baithiye. Thank you. Bahut acha laga aap logon ne invite kiya. शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बस वो आज का दिन हम शादीशुदा मर्दों को याद दिलाता है कि हमारा वैलेंटाइन हमारी बीवी के अलावा कोई नहीं हो सकता। क्या घर था, क्या गाड़ी थी यार, क्या वार्डरोब था। तीन तीन बिजनेस है उसके, वो भी शहरयार के नहीं, जोया के। लेकिन उनके तो कोई बच्चे ही नहीं है, इसीलिए तो जिंदगी जी रहे हैं और हम काट रहे हैं। मतलब बच्चे होंगे ना तब पता चलेगा। बस बस व्हाट यू वांट।
इसके बाद तो जोया के घर की खिड़की मेरे लिए डेली सोप बन गई थी, जिसकी हर एपिसोड एक ही कहानी थी, जोया की जिंदगी कितनी अच्छी है। एक मेड आएगी, मैंने बात कर ली। क्या वो जो आपकी मिसवाओ है ना? मेरी मिसवाओ कहाँ से आ गई? उसके लिए शेरिया भाई ने कुछ बेक किया है, उसने भी खाया, उन्होंने भी खाया, लेकिन उनको कोई फूड पॉइजनिंग हो गई। आई थिंक हॉस्पिटल गए हैं, सीरियस लग रहा है। और तुम्हें ये सब इसलिए पता है क्योंकि तुम घंटों से यहाँ खड़ी उनको देख रही हो? हाँ। नहीं, 3 घंटे नहीं। और अगर उन्हें देख लिया तो कैसा लगेगा? बुरा नहीं लगेगा उनको? कम ऑन यार। नौरीन, तुम्हारा शेरिया और जोया के साथ जो ऑब्सेशन है ना, मुझे इस बात का अंदाजा दिलाने लगा है कि ऐसा बहुत कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सका, और मैं जानता हूं ये बात। इससे कौन भरी जिंदगी में तमाम बुनियादी जरूरतें होती, फीस नहीं दी, किराया नहीं भरा, इन सब फिक्रों के बजाय रात ख्वाब देखने की गुंजाइश होती। मैं ये सब चाहता था तुम्हारे लिए। कहीं ना कहीं जिंदगी में अपनी गलतियों की वजह से मैं इस दौड़ में दूसरों से पीछे रह गया, और मेरे साथ तुम भी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं आज भी मेहनत करता हूं और करता रहूंगा, और मैं जब तक जिंदा हूं मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करने के लिए लड़ता रहूंगा। नौरी, बाबा टेस्ट याद करा दे। आ रहा हूं बेटा। अभी तक यहां बैठी हो?
अभी तक वो लोग वापस नहीं आए, लगता है कुछ सीरियस हो गया। हमें कल खबर लेने जाना चाहिए। और क्या कहेंगे कि हमें कैसे पता चला कि तबीयत खराब है, कि रात को 3 बजे खड़े हुए हम उनके घर में देख रहे थे, उनका घर हमारे घर से साफ साफ नजर आता है, ये कहेंगे। चलो यार, बुरा लगता है, उनको भी देख लो। लोग आ गए, एक सेकंड, मैंने देखना ठीक है कि नहीं। देखो, उनको पता चल जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा, तुम समझने की कोशिश करो। कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, आ जाओ। ठीक है, थैंक यू। बाजी, रोटियां कितनी बनेंगी? इतनी बना देना कि लंच बॉक्स में दे सकूं ट्यूशन के लिए। ट्यूशन में भी लंच बॉक्स? हाँ, दोनों इतना भागते दौड़ते हैं, भूख लग जाती होगी, बस बना दो ना। ठीक है। हमारी शादी 1 साल पहले हुई थी, और शादी के 1 माह बाद शहरयार को कैंसर डायग्नोज हो गया था, वो भी लास्ट स्टेज। हमारे पास सिर्फ 1 साल था। शहरयार कहते थे कि हम इस 1 साल को शोक में नहीं जी सकते, बल्कि वो चाहते थे कि इस 1 साल को भरपूर तरीके से जिए। हमारे पास दुनिया की हर चीज होने के बावजूद वक्त नहीं था। हम जब भी इस खिड़की से बाहर देखते थे तो उन्हें वो सब कुछ नजर आता था जो हमारे पास नहीं था। बच्चों के शोरगुल से भरी वो छत, आपकी वो जन्नत जिसे पाने के लिए हम दोनों कुछ भी देने को तैयार थे। लेकिन उनका तो कोई बच्चा ही नहीं है, इसीलिए तो जिंदगी जी रहे हैं और हम काट रहे हैं। आपकी फैमिली बहुत प्यारी है,
गुड मॉर्निंग। चलो उठो गुदी। चलो उठो वेकअप। चलो 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 कमो। ये वाला चाहिए आपको? ये मैं इसको लेके जा रहा हूँ। अब उसको लेके जा रहे हैं, मैं इसको ले जाऊँ? ये चलो ले जाएंगी। मैं आपको लेके जाऊँ? लेकिन जब चलो आजा। शाबाश। क्या खाएंगे नाश्ते में? मुझे भी चाहिए ऑमलेट यार। ऑमलेट? हाँ चले ऑमलेट बना दे। व्हाट्सअप प्रिंसेस, व्हाट्सअप व्हाट्सअप।